दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का पहला टी20 मुकाबला देखने के उत्साहित है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप से ठीक पहले आप ऑस्ट्रेलिया के घमंड को ठिकाने लगाने के लिए पहले टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या अपनी टीम को लेकर मैदान में कदम रख चुके हैं। तो आखिर मैच की क्या चल रही अपडेट, किसने बना लिए कितने रन, कौन खेल रहा है कितने रनों पर, नाबाद कौन पहुंच गया है शतक के करीब, किन 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में उतरी है दोनों टीमें, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम पहला टी20 मुकाबला जीतेगी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, एशिया कप की चैंपियन ऑफ टीम इंडिया जहां तक एक तरफ वर्ल्ड कप के लिए कमर कस चुकी है, 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही कम समय शेष है, तो ऐसे में दूसरी तरफ हमारे सामने विश्व जयंत कंगारुओं की टीम चुनौती लेकर खड़ी है, जहाँ हमें अपनी ही सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने के साथ उनके घमंड को भी ठिकाने लगाने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि भारत 1 से 2-3 टीम बनाकर दुनिया के किसी भी देशों में टूर्नामेंट खेल सकता है, और ऐसा ही कुछ लाइव नज़र हम आपको दिखाने वाले हैं। यानी कि आप एक बार फिर विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीम है लोगों के बीच सबसे प्रचलित टी20 फॉर्मेट में एक नया इतिहास लिखेंगे। इससे अधिक रोमांचक तो कुछ और भी नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है, जो हिंदुस्तान में ही आयोजित हो रही है। यानी कि हमें मेहमान ऑस्ट्रेलिया की मेहमानबाजी करने का भरपूर मौका मिलेगा। आपको बता दें कि टी20 का मुकाबला आज शाम खेला जाना है, जिसका गवाह बनेगा मोहाली का विश्व प्रसिद्ध स्टेडियम। इस मुकाबले की शुरुआत 7:30 बजे से होगी, जिसके लिए सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा। तो वही दोस्तों, इसके अलावा दूसरा और तीसरा टी20 मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स, तो फिर ये कारवा राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जाएगा, जहां इस सीरीज का समापन किया जाएगा। तीनों ही मुकाबले का लुत्फ अब अपने टीवी स्क्रीन पर भारत एयर टीम के चैनल पर उठा सकते हैं। तो वही फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मुकेश अंबानी जी का मेहरबानी से हमें ये टी20 सीरीज जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में देखने को मौका मिलने वाला है। यानी जियो का ऐप डाउनलोड कर हम इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उसमें कर सकते हैं, जो क्रिकेट फैंस के लिए किसी सपने जैसा है। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, कोई क्रिकेट प्रीमियम के लिए दुख की खबर भी निकल कर आ रही है, क्योंकि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ केएल राहुल, बुमराह और कुलदीप यादव को आराम दिया गया है। ऐसे में टीम इंडिया की कप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई है, जिनके सामने भारतीय टीम को लीड करने की बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो वही उनका साथ निभाने के लिए युवा खिलाड़ियों का ऐसा दल तैयार किया गया है जो किसी भी टीम को धज्जिया उड़ाने का माध्यम रखते हैं। हालांकि उससे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की, तो टी20 की कप्तान एक बार फिर से पैट कमिंस के कंधों पर रहने वाली है, जिनका साथ निभाने के लिए खूंखार खिलाड़ियों को भरमार है। स्मिथ के साथ डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल के कंधों पर भारत की धरती पर से कोहराम मचाने की जिम्मेदारी रहेगी। तो वही ऑलराउंडर क्रम में कैमरन ग्रीन के साथ मार्कस टॉइनिस एक बार फिर तबाही मचाने चाहेंगे। इसके अलावा गेंदबाजी क्रमों की तो क्या बात करें, कमिंस मिचेल स्टार्क के एडम जंपा से सजा हुआ ऑस्ट्रेलिया किसी से कम नहीं है। तो वही दोस्तों, कप्तान हार्दिक के साथ निभाते हुए ओपनिंग क्रम में हमें ईशान किशन के साथ सुमन गिल की जोड़ी नजर आएगी। तो वही सूर्य कुमार यादव के साथ केएल राहुल जैसे खौफनाक खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में जौहर दिखाते हुए भी नजर आने वाले हैं। सैयद अय्यर को नंबर 5 पर खिलाया जा सकता है। तो वही ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की कमान कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ साथ सर रविंद्र जडेजा और लंबे समय के बाद मैदान में वापसी करने वाले रविचंद्रन अश्विन के कंधों पर रहने वाली है। दोस्तों, बात करें गेंदबाजी क्रम की तो बेहतर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के साथ प्रसिद्ध कृष्णा ऑस्ट्रेलिया के खौफनाक बल्लेबाजों को जल्द से जल्द समेटने के लिए मैदान में उतरेंगे। यानी कि टीम इंडिया भी बेहद खतरनाक लग रही है। इन सितारों ने कमर कस ली है ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर उन्हें सबक सिखाने के लिए, और पहले टी20 मुकाबले में तो एक बार फिर क्रिकेट के इतिहास पलटने वाला है। ऐसे में कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले को मिस नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पहले टी20 मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसे शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।